तो दोस्तों यार आज की वीडियो के अंदर अपन करेंगे कूलर की मोटर के कनेक्शन। जी हाँ दोस्तों, उसकी मेन लीड और फैन वाला मोटर और उसका पंप, जी हाँ इन सभी तीनों चीज़ों का अपन आज कूलर के अंदर कनेक्शन करेंगे। किस प्रकार करना होता है, किन किन बातों का आपको जो है कि ध्यान रखना होता है, क्या क्या आपको सावधानियाँ उसके अंदर बरतनी चाहिए, किस प्रकार कनेक्शन होते हैं, आज की इस वीडियो के अंदर अपन ये सभी चीज़ें सीखेंगे। तो मेरा नाम है दोस्तों हर्ष सैनी और चलिए बिना देरी किए आज की इंटरेस्टिंग सी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार दोस्तों आप देख सकते हो ये अपना फ़ैन रेगुलेटर, ठीक ना, ये वाली एक वायर जो मैं छील रहा हूँ ये अपनी मोटर की, ठीक ना, जो कि फ़ैन वाला मोटर है। ये अपन को यहाँ पर आपको एक वायर जो है कि इससे फ़ैन रेगुलेटर से कनेक्ट कर देनी होती है कुछ इस प्रकार, जिस प्रकार से आप देख सकते हो आपके मोबाइल स्क्रीन या LED TV स्क्रीन पर, जहाँ पर भी आप देख रहे हो, ठीक ना। और अब इसके बाद आती है अपनी मेन लीड। एक मेन लीड में से जो रेड वाली वायर है वो आपको रेगुलेटर के ऊपर दूसरे वाले वायर के ऊपर जोड़ देना, और ये अपना ये दूसरा वाला वायर है ये अपना पंप का, जी हाँ, जो पानी के अंदर जो अपना समरसेबल पंप है ना उसका, ठीक ना, उसकी ये वायर है। आपस के अंदर आपको इसे कनेक्ट कर देना होता है कुछ इस प्रकार, जिस प्रकार आप देख सकते हो, ठीक ना, कुछ इस प्रकार मैं भी इसे कनेक्ट कर दिया हूँ, ठीक ना। अब दूसरा वाला अपन समरसेबल पंप का जो है कि वायर लेंगे और उसे सीधा ही कनेक्ट कर देंगे अपन इस स्विच बोर्ड के अंदर, ठीक ना। ये कुछ इस प्रकार, जिस प्रकार आप देख सकते हो, ये मैंने स्विच के अंदर इसे जो है कि कस दे रहा हूँ, यानी कि जो कि टेस्टर है मेरे पास स्क्रू ड्राइवर, उसकी सहायता से। देखिए मैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार इसे यहाँ पर जो है कि टाइट कर देता हूँ, ठीक ना, कुछ इस प्रकार, ठीक ना। अब अपने पास जो है कि दो वायर बच चुके हैं, इन्हें आपस में कनेक्ट करके इनमें से एक और वायर निकाल के अपन इस स्विच के अंदर कनेक्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार। देखिए ये मैं एक और एक्स्ट्रा वायर ले लिया हूँ टेप वगैरह लगा करके, देखिए कुछ इस प्रकार ये एक्स्ट्रा वायर मैं ले लिया हूँ, ठीक ना, ये मैं कनेक्ट कर दूंगा इस स्विच के अंदर, ठीक ना। ये कनेक्ट करने के बाद आपकी जो है कि कनेक्शन एकदम ओके है दोस्तों, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो। उम्मीद है यार दोस्तों आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, आपको इस वीडियो के अंदर ज़रूर से कुछ यूनिक और कुछ नया देखने को और सीखने को मिला होगा। इसी आशय के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा, हम मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।